और दोस्तों ये जो है जो ग्राउंड फ्लोर से हम लोग को रेड कलर का भालू दिखा था वो ये फर्स्ट फ्लोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा यार, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से दोस्तों अब हम लोग सेक्शन कवर कर चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे सेकेंड फ्लोर पर। ये देखो यहाँ पर सभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से अब जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। और ये भी हम लोग का जैसा कि रेगुलर मॉल में ही होता है कि ये वाला सेक्शन ये ओपन है क्या, ये नहीं ट्रांसपेरेंट शीशे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। अब हम लोग इस समय एम्बियंस मॉल के सेकेंड फ्लोर पे हैं। सो दोस्तों ये जो हम लोग जो ट्रेन चल रही है वो, और इसमें बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं यार, काफ़ी सही है। बट एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा एक ओपन रेस्टोरेंट दिखा यार, काफ़ी सही लग रहा है। सो यार दोस्तों अभी जो मॉल था इसमें हम लोग घूम लिया, बढ़िया यार भूख लगी बहुत तेज, देखते हैं जाते हैं फूड कोर्ट सेक्शन में कुछ मिल जाए फिर वहाँ पे खाएंगे पीएंगे। फिर ऊपर का जाए अभी सेकंड फ्लोर हम लोग कवर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया और सेकंड फ्लोर पूरा कवर नहीं किया, भूख बहुत लग रही है। तो जाएंगे देखेंगे कुछ खाने पीने मिलेगा, उसके बाद फर्दर यहाँ पे कवर करेंगे। सो दोस्तों ये हम लोग का है एम्बियंस मॉल का थर्ड फ्लोर। जैसा कि बोले थे कि जो फूड कोर्ट का सेक्शन होता है वो ऊपर ही होगा, और बिल्कुल सही बोले थे, यहाँ पे जो फूड कोर्ट का सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हम लोग का ऊपर ही है, जहाँ पे मैकडोनल्ड हो गया, सबवे हो गया और भी जितने भी यहाँ पे खाने पीने के शॉप्स हैं वो सारे ही यहाँ पर लगाए गए हैं। सबवे सामने है और मैकडोनल्ड से कुछ लेंगे, कुछ खाएँगे पीएंगे, बर्गर वगैरह एक मील वगैरह लेंगे, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो इतनी भी ज़्यादा भीड़ अभी है एम्बियंस मॉल में वो पूरी की पूरी हमको लग रहा है फूड कोर्ट के सेक्शन में वहीं पे है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि ये झूले वगैरह बना रखा है बच्चों को खेलने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, और सही है मतलब झूले वगैरह बना रखा है। और पूरा फूड कोर्ट का कम्प्लीट सेक्शन जो है वो हम लोग यहीं पर थर्ड फ्लोर पर दिया गया है। ये देखो कोई भी वैरायटी आपको जो भी चीज़ खानी हो सब कुछ यहाँ पर है। और सच में जो सबसे ज़्यादा भीड़ है ना वो हम लोग इसी थर्ड फ्लोर पे ही है, वरना अभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कवर गए हम उतना ज़्यादा भीड़ मिली ही नहीं, नॉर्मल सा ही था, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों यहाँ पे जो एम्बियंस मॉल है, यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है ना, इसमें एक चीज़ देखें कि अगर आप यहाँ पे खाना वाना खाते हैं तो आपकी वाइब काफ़ी अच्छी आपको वाइब मिलेगी। ये बात हम देखें मतलब बहुत सारे शेफ्स हो गए और भी जो वेटर्स वगैरह हो गए काफ़ी वेल मेंटेन्ड है यार, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और काफ़ी दूर आने के बाद एक ढाबा, ये देखो यहाँ पर ढाबा भी है अंदर की साइड में, बढ़िया अभी के जा नहीं रहे, अब सीधे एकदम मूड बना रखे हैं कि जो मैकडोनल्ड है उसका मील खाएंगे। तो क्या देखो इस जगह पे आगे कोई नई चीज़ हम ट्राई करने वाले हैं नहीं, तो नहीं क्या होगा कैसा होगा इस वजह से। अगर बाहर हम पहले खा रखे हो तब तो ठीक है, यहाँ पे आके देख लीजिए, अगर वो पर्टिकुलर मार्केट अवेलेबल जैसे कि पिंड बलूची है तो पिंड बलूची में पहले हम खा रखे थे, फिर वैसे तो मॉल में खा लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे क्या नई जगह पर जाने तो सही नहीं है। और काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह हैं, आर्टिफैक्ट्स सब यहाँ पर लगा रखे हैं। एग्ज़िट वाला रास्ता यहाँ से, और ये हम लोग का पीवीआर सिनेमा वाली चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये देखिए और पूरा पीवीआर यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो अवतार, हाँ अवतार का लगा रखा, अवतार 3D देख चुके हैं, अवतार 3D। तो अब हम तो दोस्तों ये जो हम लोग का सेक्शन है, ये हम लोग का फूड कोर्ट का सेक्शन है, जहाँ पे कि सारे ही यहाँ पे खाने के जो शॉप्स हैं वो सारे लगाए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी शॉप्स हैं जो कभी हम सुने भी नहीं हैं। वाओ मोमोज का तो मोमोज एक बार ट्राई किए हमको अच्छा लगा, दोबारा मोमी खाने वाले नहीं यहाँ पे, और आगे सबवे है वहाँ पे। और अभी दोस्तों कॉफ़ी आता है मॉल घूमने के बाद और थक गए यार, उसके बाद अभी आए मैकडी में यहीं दिखाएंगे। ये है मेरा ऑर्डर नंबर 319 और ये रहा मेरा बिल, और ये है यार मैकडी जो कि एम्बियंस मॉल का है। दो वैल्यू मील यहाँ पे लिए हम, दो वैल्यू मील, उसके बाद खाएंगे यार, उसके बाद फिर भाई को छोड़ने चला है वहाँ, तो छोड़ेंगे फिर उसके बाद वापस से पीजी।